मेरा अगर बाप भी रहेगा तो इसके अंदर इसमें छोड़ने का सवाल नहीं पड़ेगा। ज्यादातर मुस्लिम लीडरों के ऊपर ये इल्जाम है सर, इलेक्ट होने के बाद मुस्लिम लीडर आने ये बकोट की जमीन कब्जा करें। गुलबर्गा के अंदर टोटल प्रॉपर्टी जो है 21,440 एकड़ है, इसके अंदर इंक्रोचमेंट 3,610 इंक्रोचमेंट, गैर कौम से ज्यादा मुसलमान में इंक्रोचमेंट। सर इस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लागू किया जा रहा है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी खाली छोड़ने की वजह से उनकी नजर पड़ी। अवाम का ये मानना है कि वक्फ से अवाम को अब तक कोई फायदा नहीं मिला है। वक्फ अदालत करके हम बेंगलुरु नहीं जा रहे, कल कंसल्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग है। इस तरह से कॉलेज बनाए जा रहे हैं, उस तरह से गरीब महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल की भी सख्त जरूरत है, वक्फ की जगह के अंदर हॉस्पिटल बनाने की भी इसमें हो। अभी इंक्रोचमेंट के लिए कौन करना, डीसी के साथ साथ में पुलिस का भी सपोर्ट होना। गुलबर्गा यहाँ के अंदर वक्फ अदालत रखा गया है, टोटल हमारे को गुलबर्गा के अंदर 660/8 अर्जियां आए, तो 660/8 अर्जियां के अंदर उसके अंदर 103 जो है एनकरेजमेंट सर्वे खाते नहीं दे करके, 50/5 जो है कब्रस्ताना के लिए प्रपोजल जो दिए कब्रस्ताना के करके 50/5 अर्जी है। अदर अर्जी 2012 जो है अदर यानी मुतोनिस नहीं है, ग्रैंड चाहिए करके 2012 है। ऐसे ही यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 80/2 अर्जियां आए, उसके अंदर 38 जो है इंक्रोचमेंट सर्वे और खाता होना करके दिए, उसके अंदर कब्रस्तान के लिए एप्लीकेशन जो डाले 33 एप्लीकेशन कब्रस्तान के लिए, 11 अदर्स वही ग्रैंड और मुतलिस दिए करके टोटल अर्जियां गुलबर्गा में दिए गए। कल हमने डीसी की कल मीटिंग रखा है, जैसा कि हमने वक्फ अदालत चालू किया बिदर से, पहला एक्चुअल प्रॉपर वक्फ अदालत चालू किया बिदर से, हमने चालू किया बिदर से, चालू करने के बाद बिदर के अंदर रेस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद बिदर के अंदर टोटल वफ अदालत करने के बाद टोटल बिदर के अंदर बिदर में अभी तक 507 खाते हुए हम वफ अदालत करने के बाद बिदर में हावेरी हुबली धारवाड़ गदक कारवार में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वफ अदालत करने के बाद 507 खाते बने। जैसे कि बिदर के अंदर 130/6 खाते, इसके पहले 60/7 खाते दिए गए थे, कभी जब हमने वफात किया उसी दिन 67 खाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देते हैं, उसके बाद अभी हम लोग ने उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग उनसे बात करके क्या डेवलपमेंट है करके पूछ रहे, तो उसके बाद 130/6 खाते गुलबर्गा के अंदर बने। हुबली धारवाड़ गुलबर्गा के हुबली धारवाड़ वफादालत होने के बाद 130/6 खाते हुबली धारवाड़ के बने, कारवार के 60/7 खाते, हावेरी के 129 खाते, गदक के 30/9 खाते, और ऐसे ही टोटल 507 खाते वक्फ अदालत होने के बाद 7 डिस्ट्रिक्ट में जो 15 साल से जो खाते नहीं बने थे वो खाते 507 खाते वक्फ अदालत के ये वक्फ अदालत करने के बाद मिले, उसके अंदर फ्लैग ऑफ होते हैं, जो खाते बनने के बाद फ्लैग ऑफ होना चाहिए उसका तो ही वो अपडेट होता है, तो उसके टोटल 380/2 फ्लैग ऑफ हुआ है। जैसा कि बिदन के अंदर 130, हुबली धारवाड़ के अंदर 107, कारवार के अंदर 40, हवेरी के अंदर 60/7, 30/7 गदक के अंदर, यानी 380/2 फ्लैग ऑफ हुए। इंक्रोचमेंट का जो है बिदर का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात किया था, टोटल बिदर के अंदर 11 इंक्रोचमेंट हुए थे, 11 के अंदर 4 इंक्रोचमेंट में वापस लिया गया, हैंड ओवर कर दिया हमारे को, अभी उसके अंदर 7 कुछ बाकी है, 7 का उन्होंने फिर दोबारा उसमें 2 कुछ कोर्ट के केसेस है, कोर्ट के केसेस है तो जब तक कोर्ट का केस क्लियर नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने 1 महीने का टाइम मान ला, ऐसा ये वफ अदालत करने से बहुत से हमारे को फायदे पहुंचे। सर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में गुलबर्गा में ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, इतने ज्यादा है कि लोग बात नहीं कर सक रहे हैं नहीं क्या दोबारा एक बार गुलबर्गा के अंदर इंक्रोचमेंट ज्यादा है वो डिटेल फिगर है। गुलबर्गा के अंदर टोटल प्रॉपर्टी जो है 21,440 एकड़ है गुलबर्गा के अंदर, उसके अंदर इंक्रोचमेंट 3,610 इंक्रोचमेंट है, वैसे ही है इसके अंदर यादगिरी के अंदर 6,190/4 एकड़ हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इंक्रोचमेंट बहुत कम यानी 10% भी नहीं है, खाली 123 इंक्रोचमेंट हुआ है, तो इसी वजह से हमने ये वफ अदालत करने के बाद कंसल्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग करके जितने भी इंक्रोचमेंट हुए, अभी गवर्नमेंट से भी बहुत से इंक्रोचमेंट हुए, प्राइवेट के बहुत इंक्रोचमेंट, ज्यादातर प्राइवेट वाले, और प्राइवेट में हमारी दुख की ये बात है गैर कौम से ज्यादा मुसलमान में इंक्रोचमेंट है। मैं उनसे आपके माध्यम मुखांतर उनसे आजीजाना में गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी वफ की प्रॉपर्टी जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, ये अल्लाह की आस्ती होती है, ये प्रॉपर्टी ना तुम्हारी ना मेरी, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मेहरबानी से जो जो भी एनकरेजमेंट करे मेहरबानी से अल्लाह का वास्ता देता हूँ तुम्हारे को, वापस कर देना, वापस वफ को कर देना, अगर क्या चीज ना गुजारिश करता हूँ, मेरे को खुशी हुई हावेरी के अंदर एक हमारे
बुजुर्ग है और ऑलमोस्ट उनकी 67-70 ईयर्स एज हुआ होते, वो भी वो प्रोग्राम के अंदर रहते, वफा अदालत के प्रोग्राम में रहते। हमारा तकरीर सुनने के बाद उन्होंने एंकरेजमेंट कर दिया था हवेली के अंदर, उन्हें वापस जाके दूसरे दिन ही, नहीं मेरे से गलती हो गई थी, अल्लाह की प्रॉपर्टी ये तुम वापस लो करके उन्होंने दे रखकर वापस कर दिया। तो वैसे ही आवाम से मैं आज जरा गुजारिश करता हूँ, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आखिरत में जाने में कोई भी कुछ लेके जाता नहीं, अल्लाह के बहुत बड़ा पूछ होता है इसका, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। वफा आदमी क्यों करता है, उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हुए, उनकी बीवी के रिश्तेदार होते हुए वफ क्यों करता है, क्योंकि कौम को फायदा पहुंचे करके। ये सीधा अल्लाह की प्रॉपर्टी होगी, ये ना तुम्हारी ना ये मेरी है। अभी हमारी प्रॉपर्टी, अभी एनक्रोचमेंट, अभी टोटल हमारे कर्नाटका के अंदर 1,11,000 एकड़ है टोटल। कितने एकड़ है? 1,11,000 एकड़ वफ की है। कितने? 1,11,000। उसके अंदर सिर्फ हमारे हाथ में कितने बोलो? 23,000 चिल्लर ही हमारे हाथ में है, उसके अंदर खाली 23,000 चिल्लर है, 23,000 चिल्लर है। 85,000 एनक्रोचमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट है, प्राइवेट एनक्रोचमेंट है, नॉट इवन 10%, 20% खाली 70% एनक्रोचमेंट है, 70% एनक्रोचमेंट। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बराबर हम यूटिलाइज करेंगे तो हम गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते, गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते हैं। तुम्हारे से आज जाना गुजारी, मेहरबानी करके ये अल्लाह की हमारी प्रॉपर्टी अगर एनकोरेजमेंट है तो क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी अगर एनकोरेजमेंट है तो हम चुप बैठते, हम क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए जद्दोजहद करना कि नहीं करना? हम लोग अभी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट जाते हैं, इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, कितना कुछ करते हैं, कैसे भी करके हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर ये अल्लाह की प्रॉपर्टी हम लोग छोड़ के कैसे बैठे? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। इस वजह से आज तक किसी मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया था, बहुत अदालत लगा नहीं, किसी ने किया नहीं किया, मैं किया नहीं किया मालूम नहीं, अल्लाह मियां ने मेरे को जवाबदारी दिया। कल का दिन ये डर के मैं कर रहा हूँ, ये काम क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह मियां ने मेरे को एक मौका दिया वफ का मिनिस्टर बना के, कल मेरे को एक ना एक दिन जाना है, कल का दिन मेरे को अल्लाह के हशर के मैदान में पकड़ होगी करके डर के मैं गुनाह से बचने के लिए काम कर रहा हूँ। ज्यादातर मुस्लिम लीडरों के ऊपर ये इल्जाम है सर, इलेक्टेड होने के बाद मुस्लिम लीडर आनी है बकबोर की जमीन कब्जा करें, गुलबर्गे में ज्यादातर आप देखिए कई मॉल यहाँ पर मैं बोल रहा बनाए गए हैं, कई बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। सुनो मेरी बात सुनो, टोटल कर्नाटका के अंदर वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी 1,11,000 एकड़, कितना बोलते हैं एकड़, उसके अंदर हमारी वक्फ में कितना, हमारे हाथ में कितनी है, 23,620 एकड़ हमारे हाथ में, बचत की 85,555 एकड़ एनक्रोचमेंट है। और मैं इतना ही बोलता हूँ, ये वफ के अंदर सोचना तो दूर की बात, अगर अगर लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे ना आप हमारे बच्चों को गिर पड़ेगी मरेंगे। मेहरबानी करके अल्लाह की प्रॉपर्टी है ये, आज तुमको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, हरेक को जाना है, इधर लेना कोई नहीं है, खाली आता है खाली आता है। इसके लिए मैं स्पीच में बोला, मेरी एक अंगूठी एक निशानी है, ये बचपन से डालते आ रहा हूँ मैं, ये अंगूठी बचपन से डालते आ रहा हूँ, कम से कम 35-40 साल से डाल रहा हूँ, इसकी अब लगभग कीमत 90 लाख रुपए होगी। मैं मरने मेरे बच्चों को मालूम है कि हमारे पापा के अरमान है, ये अरमान की निशानी है करके, मेरे बीवी को भी मालूम है, मेरी माँ को भी मालूम है, मेरे भाइयों को भी मालूम है। मैं मरने के बाद ये लोग छोड़ते हैं, मेरे मरने के बाद यारे भाई हमारे बच्चे की ये अरमान थी उसको ये एक जाने दो करके छोड़ते है, अगर हाथ से नहीं निकले क्या करते, उसको काट के निकाल के आपस में लड़ते। बेटा बोलता है मेरे बाप की निशानी मेरे को ना, मेरे भाई लोग बोलते हैं मेरे भाई की निशानी मेरे को ना, मेरी बीवी बोलती है मेरे शोहर की निशानी मेरे को ना, मेरी माँ बोलती है मेरे औलाद की निशानी मेरे को ना करके यहाँ खाली आता है, खाली आता है, सिवाय कफन के कोई भी कुछ लेके जाता नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की आस्ती कोई भी एक इंच अगर लिया है हशर के मैदान में बहुत बड़ी पूछ होगी, मुतल इसका कमेटी का सब बाद में। मेरा खाली मेरा एक ही इंटेंशन है, पहला जो है एनक्रोचमेंट निकालना, हमारी वक्फ प्रॉपर्टी वापस लेना और वक्फ प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके, मैं इसके पहले आपको बताया, अगर वक्फ की जो आस्ती है 1,11,000 एकड़, कितना 1,11,000, आपका 10 लाख से भी एकड़ डालेंगे तो आज मालूम है प्राइम लैंड कितने हैं अपने, बेंगलुरु सिटी में भी बहुत है, गुलबर्गा सिटी में भी बहुत है, बेंगलुरु सिटी में लगभग एक एकड़ जो है 15 करोड़ 20 करोड़ को मत जो आप खाली 10 लाख से हिसाब डाल लो, 1,11,000 एकड़ को 10 लाख से आप हिसाब डालेंगे तो 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो रहा है। आप 15 करोड़ डालें तो कितना हो गया हिसाब डालना, मैं बोल रहा ना, अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करेक्ट हम यूटिलाइज करें तो गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते। ऐसे में मिनिस्टर बना था वक्फ बोर्ड के ऑफिसर, मई हमारे अनुभव पहुंचा था चेयरमैन मिलके
वक्फ बोर्ड की ऑफिसर्स की एक मीटिंग करे तो उनको उसी टाइम डायरेक्शन दिया था, भाई अगर वक्फ में आपको काम करना है तो नॉन करप्ट होना चाहिए, अगर आप पैसे की लालच है तो मेरे को बोलो, जहाँ कोना पोस्टिंग वही करा देता हूँ, आपको अगर पैसा कमाना है पोस्टिंग वही करा देता हूँ, वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं लेना तो दूर की बात, सोचना भी गुना है। तो वैसे आदमी वक्फ बोर्ड का काम करना करके, और थोड़ा शॉर्टेज भी है, स्टाफ नहीं है करके नहीं, थोड़ा शॉर्टेज भी है, हम एफडी को फाइल भेज दे, वो इंशाल्लाह अप्रूव होकर आएगी। अब अपनी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारा 30% डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा वक्फ की सही से ढंग से ऑफिस भी नहीं है, सही से ढंग से ऑफिस भी नहीं है, तो वो ऑफिस बनाने का भी प्रपोजल नेक्स्ट बजट के अंदर रखा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हाईटेक एक ऑफिस बनाना करते हैं, हाईटेक ऑफिस बनाना करके भी अभी वक्फ बोर्ड का अभी गुलबर्गा और यादगिरी का हमने वक्फ अदालत किया, वक्फ अदालत करके हम बेंगलुरु नहीं जा रहे, कल कंसल्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग है, जैसा डीसी सीईओ एसी तहसीलदार म्यूनसिपालिटी कमिश्नर आरडीपीआर वाले पुलिस एसपी आईजी तमाम रहते हैं। अभी एनक्रोचमेंट के लिए कौन करना, डीसी के साथ साथ में पुलिस का भी सपोर्ट होना, तो सबकी मीटिंग होती है और उनको एक महीने का डेडलाइन दिया जाता है, एक महीने की डेडलाइन के अंदर, एक महीने का डेडलाइन देके भी हम लोग उनको छोड़ रहे नहीं, उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बीदर के अंदर अभी तीन एक चार दिन का पिछली वारम के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे, वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। सर, 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 इस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लागू किया जा रहा है, एक तरफ अवाम के अगर आप ख्याल देखेंगे, अवाम का ये मानना है कि वक्फ से अवाम को अब तक कोई फायदा नहीं मिला है, और अवाम से जो एहतजाजी मेल कराए जा रहे हैं, अवाम को अब तक वक्फ बोर्ड के जरिए कोई फायदा नहीं मिला, इतने हजारों करोड़ प्रॉपर्टी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लेके है, ये जानबूझ के शरारत है, ये शरारत है बीजेपी की। वजह उसकी क्या है, हम लोग की गलती है, हम लोग की गलती कैसे, अभी कर्नाटक स्टेट पूरे स्टेट की हिंदुस्तान में पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कर्नाटक स्टेट में ये वक्फ की प्रॉपर्टी खाली छोड़ने की वजह से उनकी नजर पड़ी, अगर हम लोग डेवलप करते तो उनकी नजर कहाँ से पड़ती थी, आज उनकी नजर क्यों पड़ी, उनका सोच क्या है, उनका क्या है सोच है, बिल ला करने का उनका मकसद क्या है, उनकी सोच क्या है, ये पूरी वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट से ली गई प्रॉपर्टी करके, हमने वक्फ का मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, 1,11,000 एकड़ के अंदर एक इंच भी हमने गवर्नमेंट से नहीं ली जगह, गवर्नमेंट से सिर्फ कब्रस्तानों के लिए जगह लिया गया है, वक्फ बोर्ड के लिए हमने एक इंच भी लिया, उल्टा गवर्नमेंट हमारी जगह अक्वायर करके, वक्फ बोर्ड की जगह गवर्नमेंट अक्वायर करके इस बिल को हम सबसे पहले स्टेट के अंदर हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने इसका विरोध किया, हमने उन्हें एक डाटा भेजा था इन्फॉर्मेशन देना करके, वो इन्फॉर्मेशन भी देना नहीं करके हमारे स्ट्रक्चर में। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है कल वक्फ कैबिनेट में, वक्फ वुमेन्स कॉलेज के लिए मंजूरी मिली है, बड़ी कामयाबी वक्फ की मानी जा रही है। अभी देखे होंगे पिछली बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले गया के बहुत से हमारे बच्चे जो कॉलेज को जाते थे वो ड्रॉप आउट हो गए थे, वो सोचते आने वाले दिन कैसे आते मालूम नहीं, आने देने वाले कौन सी गवर्नमेंट आती मालूम नहीं, तो हमारी वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों बगैर तालीम के आज कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे बच्चों को तालीम होना, हमारे बैंकों बच्चों को खासकर तालीम होना करके 50 वॉकबोर्ड से इस बार पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी नहीं जारी किया कि हमारे स्टेट के अंदर पहली बार कल कैबिनेट ने अप्रूव किया 47.76 करोड़ का 15 डिग्री कॉलेज शुरुआत है, ये शुरुआत में 15 डिग्री कॉलेज बनना करके अभी अप्रूव किया है, एक 15 दिन में इंशाल्लाह संघीय बुनियाद का काम करेंगे, बाद में बीजेपी हुकूमत आने दो, कोई भी हुकूमत आके कोई भी कुछ नहीं से अपनी खुद की कॉलेज है तो हमारे बच्चों को सेफ रहता है। सर, जिस तरह से कॉलेज बनाए जा रहे हैं उस तरह से गरीब महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल की भी सख्त जरूरत है, क्या इस पर भी काम किया जाए? बहुत से मैं बोल रहा ना, मेरा एम बहुत बड़ा है, सिर्फ नहीं वक्फ की जगह के अंदर हॉस्पिटल बनाने की भी इसमें हो, घर बना के अपनी स्पीच में भी मैं बोला, अभी जैसा की गुलबर्गा के अंदर नॉर्थ साउथ करके दो आता है, नॉर्थ के अंदर कुछ 2 लाख की आबादी है मुसलमानों की, साउथ के अंदर कुछ 1 लाख की आबादी है, मैं साउथ के नॉर्थ के अंदर 2 लाख की आबादी है, 2 लाख भी बेघर करके बोलता नहीं, उसके अंदर 10-15 हजार बेघर होते हैं, वही सब वो प्रॉपर्टी के अंदर घर बन के रेंटल देना, रेंटल मतलब रीजनेबल 200-300 में रेंट देने का, वो भी एक मेरा सोच है। सर, गुलबर्गा हमेशा मुस्लिम हुक्मरान का इलाका रहा है, सबसे ज्यादा औकात के यहाँ जायदाद है, क्या नहीं लगता आपको ये काफी मुश्किल लगा यहाँ पर लोक अदालत करने के लिए, क्या कोई वक्फ अदालत करने के लिए किसी दबाव पे कुछ क्या अंदर फेस कर रहे हैं? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, दबाव में आना सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों हशर के मैदान में जाके जवाब मेरे को देना पड़ता है, जो प्रेशर करता है वो जाके जवाब नहीं देता है, जो प्रेशर करता है वो जाके जवाब देता नहीं, मेरा अगर बाप भी रहेगा तो इसके अंदर इसमें छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। शुक्रिया। अभी जो भी एप्लीकेशन जितने भी एप्लीकेशन दिए है मैं वही तो बोला उनको,
वो लेके डस्टबिन में डालने का नहीं। जैसे कि गुलबर्गा के 307 पराठ अध्याय है, उसके अंदर 105 का जो है एनक्रोचमेंट है, सर्वे है, खाते बनाना करके। कल कंसल्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स की मीटिंग है, वो इंशाल्लाह 100% तो नहीं कहता कि मैं 100% मसले हल करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि 100% मसला हल करने की।